दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको MPL की चीटिंग के बारे में बताया था कि कुछ प्लेयर्स डबल आईडी से एंट्री करके बैठे होते हैं और अपने ही आपको जितवाते रहते हैं। तो आज मैं उसी को देख लेके एक वीडियो लाया हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो आईडी है जो एक दूसरे को जितवाने की कोशिश कर रही है, जिसमें 827 और 315। ये एक ही बंदा है, दो अलग अलग आईडी से लॉगिन करके बैठा हुआ है पहले से ही। ज़्यादातर जो इस गेम में ऐसे ही होता है, जो पहले से बैठा होता है वही उसके पास से अच्छे कार्ड्स आते रहते हैं, दूसरों के पास बेकार कार्ड्स आते रहते हैं। उसमें भी अगर इन दोनों आईडी में से किसी एक आईडी पे भी अच्छे कार्ड आ गए तो दूसरी आईडी को या तो ड्रॉप कर देगा या फिर उसमें से जीत दूसरी आईडी के लिए स्टे रहेगा, उसको अपनी दूसरी आईडी के लिए पत्ते देता रहेगा। अब ये देखो, ये जो भी पत्ते देगा दूसरी आईडी उसको 315 उठाती रहेगी। इसने पहला पत्ता फेंका, इसने ये उठा लिया। आगे पत्ता जो भी फेंकेगा घूम फिर के इसकी बारी दोबारा आएगी। आप देख सकते हैं इसने वाला पत्ता फेंका है। अब इस बंदे के पास ठीक ठाक पत्ते होंगे, लेकिन ये अपनी मेहनत से खेल रहा है। अब ये है चीटर। अब इनके पास ये पत्ता आया, इसने दोबारा इसमें से उठाया, उसके पास दूसरा पत्ता होगा 315 के लिए, इसने वो उसको फेंक दिया, ये उठा लेगा। ये 315 ने दोबारा उठा लिया, उसमें से इसको पत्ता फेंक दिया। अब ये बेचारे को पता ही नहीं, अब ये खेल रहा है, इसको क्या पता है दोनों चीटर है, एक ही आईडी से खेल रहे हैं। अब इसने ये पत्ता फेंका तो इसके मतलब का नहीं था, इसने उठाया, इसको एक और पत्ता दे देगा, इसके चार चार नंबर फेंका फिर भी इसको लग जाएगा 315 को। अब इसने ये पत्ता उठा के डिक्लेयर कर दिया। अब आप देखोगे 827 को जीतने वाला नहीं था, बेकार पत्तों में हारने वाले ही था, फिर भी ये उसके जिताने के लिए खेलता रहा। ये देखो कितने 10 पॉइंट से 10 रुपये हारा है। अब 827 को देखो 42 पॉइंट से हारा है, जबकि इसके पत्ते थे नहीं फिर भी खेल रहा था ऐसे। अभी एक और गेम मैंने दिखाने के लिए एक और गेम दोबारा कंटिन्यू रखी आपको। मुझे पता था ये गेम भी मैं हारूंगा, इसलिए मैं ड्रॉप करके बैठ रहा था। इसमें आप दोबारा देखेंगे, अब ये गेम मेरे पास नॉर्मल सी आई थी, मतलब जीतने के चांस फिर भी इसमें भी कम है। दो जोकर होने का कोई मतलब नहीं होता जब तक गिनती ना आए। अब मैं इसमें देखा, मैंने इसमें 315 खेलता नहीं खेलता, मैं यही चेक कर रहा था, इसने ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब है ये है कि अब 827 भी ड्रॉप ही करेगा, क्योंकि दोनों के पास ही बेकार पत्ते हैं। या तो 827 के पास बेस्ट पत्ते होंगे या तो डिक्लेयर कर देगा सीधा, नहीं तो वो भी ड्रॉप ही करेगा, देख लेना आप, क्योंकि दोनों की चीटिंग में रहते हैं। अभी उन्होंने ड्रॉप कर रखा है, अब ये भी ड्रॉप ही करेगा, ये मुझे कन्फर्म था। ये देखो, अब ये भी ड्रॉप कर देगा क्योंकि उसके साथ ही ने ड्रॉप कर दिया। अब इसने एग्जिट कर दिया तो वो भी एग्जिट कर लेगा, देखना दोनों ने एग्जिट कर लिया, दोनों दोबारा से लॉग इन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि स्टे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्टे रहने में अच्छे पत्ते नहीं आ रहे, अब न्यू जो ज्वाइनिंग न्यू ज्वाइनर है उनके पास अच्छे पत्ते आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने दोबारा से न्यू ज्वाइनिंग करी है ताकि इनके पास अच्छे पत्ते आ जाए, उसके बाद ही दोबारा स्टे रहेंगे, क्योंकि अब इन्हें स्टे रहने में कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था, जोकर वोकर कम आ रहे होंगे, तो अब इन्होंने दोबारा लॉग इन करा। अब जैसे ही ये गेम ख़त्म होगी इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि अब ये दोबारा कैसे चीटिंग करेंगे। अब ये लॉग इन करके बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि गेम चल रही है। वैसे तो इतनी लंबी गेम कमी चलती है, दो चार पत्तों में गेम ओवर हो जाती है, फिर भी कभी कभार इसमें लंबी गेम में खिंच जाती है। अब ये हमारे वहाँ से जीत गए हैं अपनी मेहनत से। अब ये देख लीजिए 827 और 315 दोनों हैं, ये 827 315 दोबारा से लॉग इन करके बैठे हैं। अब इनका हम चेक करते हैं दोबारा से कि क्या करेंगे, इस टाइम इनके पास कैसे पत्ते आएंगे कैसे नहीं आएंगे। इनमें से कोई एक भी ड्रॉप कर लेगा तो आप मोस्टली यही मान के चलो कि दूसरा बंदा भी या तो ड्रॉप ही करेगा या फिर सिंगल कार्ड के अंदर विन कर जाएगा, तो ही ड्रॉप का रीज़न होता है इनका, नहीं तो नहीं ड्रॉप करते। अब मैं स्टे था, मेरे पास बेकार पत्ते आ रहे हैं तो मेरे को वो ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी हमारे महाशय रोज सोच रहे हैं अभी क्या करेंगे पता नहीं, उठाया इनके पास शायद अच्छे पत्ते आए हैं, मेरे मतलब का था लेकिन फिर भी ड्रॉप कर दो क्योंकि एक जोकर से कुछ नहीं होता। अब ये देखिए इसने भी ड्रॉप कर दिया तो ये भी ड्रॉप ही करेगा। आप देख सकते हैं कैसे कैसे ड्रॉप करते हैं, बीच में कॉल आ गई है, डिस्टरबेंस आई है, लेकिन देख लीजिए दोनों ड्रॉप करते, दोनों दोबारा से भाग जाएंगे।
या फिर शायद स्टे रहेंगे, लेकिन मैंने कहा मैं खुद ही एग्जिट कर देता हूँ, क्या इनको दिखाना आपको दिखाने के लिए काफ़ी है।